एक बार देख लीजिए इन तस्वीरों को और सोचिए कि यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हालत है। आज तक आपने मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल देखा होगा, मल्टी टैलेंटेड लोगों के बारे में सुना होगा, अब एक बार मल्टी टैलेंटेड होमगार्ड साहब को भी देख लीजिए। इसी को तो कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। जहां मर्जी हो सुरक्षा में बिठा लो, अगर फ्री रहे तो लैब में जांच करने की जिम्मेदारी सौंप दो। ये तस्वीरें हैं बलिया जिला अस्पताल की, जहां आजकल मरीजों का एक्सरे होमगार्ड कर रहे हैं। इसको लापरवाही नहीं मूर्खता कहते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो एक्सरे इंसान के लिए बहुत हानिकारक होता है। उससे निकलने वाला रेडिएशन इंसान के शरीर पर बहुत गलत इफेक्ट करता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो एक्सरे ना करवाएं, और अगर करना बहुत जरूरी हो तो किसी ट्रेन्ड प्रोफेशनल की निगरानी में ही करवाएं। लेकिन बलिया के जिला अस्पताल में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस मामले को लेकर जब हमने बलिया के जिलाधिकारी रविंद्र प्रसाद से बात की तो दो मिनट के लिए उनके भी होश उड़ गए। अभी महज कुछ दिन पहले ही साहब ने बलिया में प्रभार संभाला है और आते ही आते इस तरीके की घटना देखने को मिल गई। अब मन ही मन में साहब सोच रहे होंगे कि आगे का रास्ता इतना भी आसान नहीं होगा। सर यही एक पहली मशीन नहीं चलाएगा। देखिए सर, देखिए देख लीजिए सर, मशीन चला रहा है। मशीन देखिए, इसकी रिपोर्ट मांगते हैं। सर यह पहली अनियमितता नहीं है। नहीं, आज किया था जिला चिकित्सालय। जी जी, सर एनआरसी को भी देखने की जरूरत। अगर इस तरह के जो चीज पाए जा रहे हैं तो सर क्या उनके विरुद्ध किस तरह कार्रवाई होगी? अब इसमें एक रिपोर्ट आ जाए कि ये किन स्थिति में होमगार्ड कर रहा है भाई, ये तो स्वास्थ्य के साथ उसके खिलवाड़ है ना। रेस जा रही है जी, और रेस गलत चली गई कहीं तो दिक्कत है, तो इसमें जिम्मेदारी भी निर्धारित कराएंगे। बलिया से अनिल अकेला की रिपोर्ट, यूपी तक।